पीलीभीत में 2017 की तरह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जिले की चारों विधानसभा सीट पर विजय हासिल की। इसके बाद भाजपाइयों ने जीत का जश्न मनाते हुए शहर में कई घंटों तक पुलिस प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर जुलूस निकालकर खुशियां मनाते नजर आए। साथ ही रंग अबीर गुलाल से होली खेलते नजर आए। संजय सिंह गंगवार ने बताया कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, जो जन सहयोग की पार्टी है, उसको अपनी सेवा के लिए चुना है। इसी तरह बाबा का बुलडोजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ लेने के बाद फिर से चलेगा और बाहरी लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि पीलीभीत की जनता समझ चुकी है। साथ ही सांसद वरुण गांधी का नाम लिए बिना ही निशाना साधते हुए कहा कि छोटे पप्पू को पीलीभीत से विदा करना है। जीत के आए, किसको श्रेय देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जीत जनता को, जीत का श्रेय है, जनता ने आशीर्वाद दिया। जीत का श्रेय करता और जनता को। अभी देख रहे थे कि पार्लियामेंट्री की बात हो रही थी, क्या कहेंगे पार्लियामेंट्री को लेकर? देखिए, अब पीलीभीत के लोग जग चुके हैं, अब पीलीभीत के लोग गाली नहीं सुनेंगे, अब पीलीभीत के लोग अपमानित नहीं होंगे। तो आज इस चुनाव से छोटे पप्पू को संदेश देना चाहता हूं कि अब ये गलती ना करने कहीं पीलीभीत की जनता को गाली वाली देने का। उन्हीं की भाषा में, जिस भाषा में वो समझेंगे, उसी भाषा में हम लोगों ने समझा। जी का बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर की बात हुई थी, बुलडोजर तो निश्चित चलेगा और उन भूमाफियाओं के लिए ऊपर चलेगा जिनको सपा की सरकार में भूमाफिया घोषित किया गया था। वो आज सपा प्रत्याशी के साथ गलवैया कर रहे थे, जरा मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, सबसे पहले बुलडोजर उन्हीं के यहाँ चले।